खबर सुल्तानपुर जनपद से है, जहां दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों की दीदियों द्वारा विभिन्न उत्पादित सामग्रियों की प्रदर्शनी तथा विक्रय हेतु एक केंद्र की स्थापना विकास भवन परिसर में की गई है, जिसका शुभारंभ विधायक सुल्तानपुर सूर्यभान सिंह एवं विधायक लघुआ देवमणि द्विवेदी द्वारा संयुक्त रूप से मुख्य विकास अधिकारी सुल्तानपुर अतुल वत्स की उपस्थिति में रविवार को किया गया। इस केंद्र पर रखे जाने वाले संपूर्ण उत्पाद समूह की दीदियों द्वारा निर्मित होंगे, इसलिए इसका नामकरण दीदी शॉपी के नाम से किया गया है। उद्घाटन अवसर पर अपने संबोधन में विधायक सुल्तानपुर सूर्यभान सिंह द्वारा महिलाओं द्वारा की जा रही आजीविका गतिविधियों की प्रशंसा की गई तथा समस्त विकास खंडों में इस तरह के केंद्रों की स्थापना को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। विधायक द्वारा योजना अंतर्गत आच्छादित दीदियों को हर तरह के सहयोग का आश्वासन दिया गया। विधायक लंबुआ देवमणि द्विवेदी ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए योजना अंतर्गत किए जा रहे कार्यों को एक कैटलॉग के माध्यम से प्रस्तुत करने का सुझाव दिया। योजना अंतर्गत जनपद में अब तक 13,801 स्वयं सहायता समूह, 1,004 ग्राम संगठन एवं 50 संकुल स्त्री संघ गठित है। कार्यक्रम में जिला विकास अधिकारी डॉक्टर डी आर विश्वकर्मा, परियोजना निदेशक राम उद्रेज यादव, उपायुक्त मनरेगा विनय कुमार श्रीवास्तव, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी पन्नालाल, जिला प्रवेशन अधिकारी अशोक कुमार एवं पत्रकार बंधु तथा बड़ी संख्या में समूहों की दीदियों की उपस्थिति रही। सुल्तानपुर जनपद से प्रमोद पांडे की रिपोर्ट।